नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। दोस्तों राजस्थान में विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तांत आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पंचायत सहायकों, विद्यालय सहायकों, शिक्षा कर्मियों, अन्य संविदा कर्मचारियों के बारे में विधानसभा में आज पूरक प्रश्न के रूप में किस प्रकार प्रश्न उठाए गए और उनका उत्तर क्या दिया गया। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पंचायत सहायकों का भी दोस्तों आज विधानसभा में सवाल उठा, इस पर माननीय मंत्री महोदय ने क्या जवाब दिया, इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, संविदा कर्मियों के स्थायीकरण हेतु गठित समिति श्री अमृतलाल मीणा जो संबलूर से विधायक हैं, इन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री से क्वेश्चन पूछे हैं पूरक प्रश्न के रूप में। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, क्या यह सही है कि शिक्षा सहयोगी, शिक्षा कर्मी, ग्राम रोजगार सहायक सभी कार्मिक अस्थायी फिक्स मानदेय पर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, क्या सरकार उक्त को स्थायी करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं, विवरण सदन की मेज पे रखें। तो दोस्तों इसमें शिक्षा सहयोगी, शिक्षा कर्मी, अपने ग्राम रोजगार सहायक जो GPS हैं वो भी इसमें क्वेश्चन में आ गए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए समिति गठित की गई है, यदि हाँ तो समिति कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, विवरण सदन की मेज पर रखें। तो दोस्तों श्री गोविंद सिंह डोटासरा राज्य शिक्षा मंत्री, इन्होंने जवाब दिया। पहला जो जवाब था, क्या जो संविदा कर्मचारी हैं, जो शिक्षा कर्मी हैं, रोजगार सहायक हैं, ग्राम रोजगार सहायक हैं, उनको सरकार नियमित करने का रखती है मामला। तो दोस्तों इस पे शिक्षा राज्य मंत्री ने क्या जवाब दिया, विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षा सहयोगी, शिक्षा कर्मी एवं ग्राम रोजगार सहायक अस्थायी फिक्स मानदेय पर विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, संविदा कर्मियों की समस्या के निवारण हेतु सचिवालय की आज्ञा क्रमांक इतने दिनांक 1 जनवरी 2019 द्वारा मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें संविदा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। यानी कि दोस्तों जो अमृतलाल जी मीणा जो विधायक है समलूर से, पहला क्वेश्चन पूछा था कि शिक्षा सहयोगी, शिक्षा कर्मी, रोजगार सहायक है, ग्राम रोजगार सहायक, इनको स्थायी करने का विचार रखती है। तो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जो प्रकरण है वो कमेटी के पास विचाराधीन है, जैसे ही फैसला आएगा उसको लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद में जो अपने पंचायत सहायक हैं, ग्राम रोजगार सहायक हैं, इनके बारे में सवाल पूछे गए। क्या प्रश्न पूछा, श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि RC की अध्यक्षता में 19 जुलाई 2019 को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिन उनके बारे में कि इस प्रक्रिया को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो दोस्तों LDC भर्ती है पंचायती राज, इसको भी महत्वपूर्ण मुद्दे को इस बैठक में उठाया। गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि 18,000 पदों पर 2013 में लगभग भर्ती निकाली थी, लेकिन 10,029 रहे शेष रहे पदों पर 5 साल तक आपका वेट करते रहे, यानी कि पिछले सरकार ने 10,029 पदों पर कुछ नहीं किया, सिर्फ इंतजार किया कि कब सरकार ज्वाइनिंग दे। तो दोस्तों जो पिछले भाजपा सरकार है उसको भी जमकर यहाँ पे कोसा गया। पंचायत सहायकों के बारे में डॉक्टर अमृतलाल मीणा जी ने पूछा, विधायक है जो संबलूर से, उन्होंने कहा कि उक्त समिति को कितनी अवधि में रिपोर्ट देनी थी, वह कब तक रिपोर्ट दी जाएगी या नहीं, क्या संविदा कर्मियों, पंचायत सहायकों, विद्यालय सहायकों का कार्यकाल मई 2019 को समाप्त हो गया है, क्या बढ़ाया जाएगा, वित्तीय स्वीकृति जारी करने का विचार रखते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट पंचायत सहायकों के लिए, क्या सरकार पंचायत सहायक और विद्यालय सहायकों का कार्यकाल जो मई 2019 में समाप्त हो गया है, क्या बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन डॉक्टर अमृतलाल मीणा जी जो समलूर से विधायक है, उन्होंने पूछा है। तो दोस्तों गोविंद सिंह डोटासरा जी जो राज्य शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि दूसरा इन्होंने ग्राम पंचायत सहायकों के बारे में पूछा, यह प्रश्न उससे संबंधित नहीं था, इन्होंने किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लगाया। तो दोस्तों इस प्रकार का ये ग्राम पंचायत सहायकों के लिए जवाब दिया है। कोई दोस्तों
जो संतुष्टिपूर्ण जवाब माननीय गोविंद सिंह डोटासरा राज्य शिक्षा मंत्री ने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने एलडीसी भर्ती पंचायती राज 2000 का मुद्दा जरूर उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जब 2013 में बनी थी तब लगभग 18,000 पदों पर एलडीसी पंचायती राज की भर्ती निकाली थी, लेकिन शेष रहे 10,029 पदों पर पिछले सरकार ने कुछ नहीं किया। अभ्यर्थी सिर्फ इनका इंतजार करते रहे कि कब ज्वाइनिंग देती रहे, लेकिन हमारी सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और जल्द इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। दोस्तों, अमृतलाल मीणा जो विधायक है समरूर से, उन्होंने पंचायत सहायकों के बारे में पूछा है कि क्या इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, क्या प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी विद्यालय सहायक और पंचायत सहायकों के लिए। तो दोस्तों, उन्होंने जवाब दिया है गोविंद सिंह डोटासरा ने, ये ग्राम पंचायत सहायकों के बारे में जो है पूछा प्रश्न उनसे संबंधित नहीं है, उन्होंने किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लगाया दोस्तों। तो दोस्तों, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि संविदा कर्मचारियों के लिए गठित समिति ही उनके स्थायीकरण मानदेय बढ़ोतरी के लिए निर्णय करेगी, अन्य कोई इनके पास रास्ता नहीं है। जो पहले समिति इनकी समस्याओं को जानेगी, कितने संविदा कर्मचारी हैं, किस विभाग में कितने, उनके डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद ही इनका कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।